सोलन में बिजली विभाग के कट लगने से सोलन की जनता परेशान है। कभी विभाग द्वारा घोषित किया जाता है कट और कभी अघोषित कट लगने से कामकाज ठप पड़ रहा है, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी बेहद परेशान हैं। विभिन्न माध्यम से वे इसकी शिकायत विभाग तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी है। जब इस बारे में बिजली बोर्ड के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड द्वारा शहर में कोई भी कट नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई शिकायत है तो वे कार्यालय में इसको दर्ज करवा सकता है। वहीं सोलन शहरवासियों का कहना है कि जनता के प्रतिनिधि जनता का ख्याल रखने में असमर्थ हैं, इसलिए अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। घोषित कटों का काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें एक्चुअली उत्तरदायी कोई होना नहीं चाहता। जब सामान्य आदमी प्रशासन या बिजली विभाग से सवाल पूछता है तो उसे बहुत वहाँ ह्यूमिलेट किया जाता है, और अगर वो कड़ाई से सवाल पूछने की कोशिश करता है या ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है तो विभाग के अधिकारी सरकारी काम में हस्तक्षेप कह कर के कानूनी कार्रवाई के लिए प्रताड़ित करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के अघोषित कट लग रहे हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, जिन हमारे जनप्रतिनिधियों को ये काम दिया गया है कि वो जनता के दुख दर्द को लेकर के प्रशासन के समक्ष मामला उठाएं, वो अपनी भजन संध्या में व्यस्त हैं। हमें किसी की आराधना या साधना पे कोई आपत्ति नहीं है, दुर्भाग्य ये है कि उसमें जो तबला और बाजा बजता है ना, वो आम आदमी का बजता है। ये सबसे ज़्यादा दुखद घटना है, और आम आदमी इसमें बहुत प्रताड़ित है। जो चंद मुट्ठी भर जनप्रतिनिधि प्रश्न पूछने का मादा रखते हैं, उनकी स्थिति यह है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्वतंत्रता सेनानियों की थी। हालत देश की बिगड़ती जा रही है और ये बड़ा चिंता का मामला है, और प्रशासन का बहुत दबाव बढ़ रहा है। इस पर सब लोगों को, सामान्य लोगों को विचार करना होगा, मेरा तो इतना ही मानना है। इसमें प्रश्न इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, अन्य विभागों में भी ये हालत है, हर जगह ये हालत है। प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी होना नहीं चाहता, जनप्रति प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं रखता। अंततः जो आम सामान्य आदमी है वो परेशान है, और वो तब तक परेशान होता रहेगा जब तक वो अपने अधिकार का उपयुक्त उपयोग नहीं करेगा। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों को अपनी सोच का मादा परिवर्तित करना होगा। जब इस बारे में अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड द्वारा बेहद कम कट लगाए जाते हैं, अगर कोई कट लगता है तो इसकी सूचना पहले ही जनता को दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी तरह का अघोषित कट विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है तो वे कार्यालय आकर इसकी जानकारी विभाग को दे सकता है, ताकि उस क्षेत्र की समस्या का समाधान समय रहते किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का लक्ष्य है कि किसी भी उपभोक्ता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए शहर की खराब बिजली की तारों को बदला जा रहा है और व्यवस्था को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। सर, ऐसा है, अभी सोलन में हमारी तरफ से तो कोई भी कट, इस तरह के कोई भी जो आप बता रहे हैं, इस तरह के कोई भी कट अभी इम्पोज नहीं किए जा रहे हैं। हमारे पास लोड जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, और हमारी तरफ से कोई कट तो नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं बिजली की कोई समस्या है, कहीं लोगों के लोड बढ़ने की वजह से कहीं फ्यूज़ उड़ रहे हैं या फिर लोड ग्रोथ ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने ऐसे पॉइंट्स हम सारे के सारे, कुछ हमने ट्रेस कर भी लिए हैं, कुछ हम नए ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं, लाइनों को भी यहाँ पे जो है वो चेंज किया जा रहा है, लाइनों नई लाइनें भी बिछाई जा रही हैं, काम अभी हमारे शुरू हो चुके हैं। तो अभी इस तरह की तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स कोई आ रही हैं उनको अटेंड भी किया जा रहा है। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि कंप्लेंट्स हमारे पास कम से कम आए, लोगों को भी कोई असुविधा ना हो, वो भी बिजली जाने की वजह से, जो आप जिनको आप अघोषित कट बोल रहे हैं, बट ये अघोषित कट नहीं है अभी भी। तो इसको हम बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे कि ये सारी जो अगर कोई इस तरह की कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं पे बिजली बार बार जा रही है, तो काइंडली हमें फीडबैक दें, जिससे कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा कर सकें। और हमारी पूरी टीम जो है इस टाइम लगी हुई है इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।